वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल प्रीतम लॉजिक। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों नमरिकल एबिलिटी के पार्ट 6। इसके पहले हमने 5 पार्ट करा दिए हैं दोस्तों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने 70 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। 71 है हमारा 852 गुने 412, ठीक है दोस्तों। जो ज़्यादा 100 के पास रहेगा उसको तोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। तो 400 को तोड़ना है तो 852 गुना 400 प्लस 12, ठीक है दोस्तों। इसको इससे गुना करना है तो 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20 का 0, बाकी का रह गया 2, 8 × 6 = 32, 2 × 34 और ये 200, ठीक है दोस्तों। प्लस अब इसको 12 से गुना करना है तो 12 × 2 = 24, 24 × 4 बाकी का रह गया 2 और 12 × 5 = 60 और बाकी का 2 यानी कि 62, बाकी का रह गया 6 और 12 × 96, 96 × 6 = 102, ठीक है दोस्तों। इसको और इसको सिर्फ अब जोड़ देना है तो 4 × 4 2 × 2 8 × 2 = 10, 10 × 0 और यहाँ पे 1, 4 × 1 = 5 और ये 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका 31 गुना 1/31। इसको काटना है दोस्तों यानी कि भाग देना है, तो चलिए भाग देते हैं बटे 31, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 31 × 31 3 उतारेंगे दोस्तों, नहीं खाएगा 0, फिर 31 × 31 फिर 3 उतारेंगे दोस्तों, नहीं खाएगा, फिर 0 देंगे 31 × 31 फिर ये 0 नहीं खाएगा दोस्तों, ये 3 उतारेगा फिर नहीं खाएगा दोस्तों, फिर 31 × 31, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 72। 10 10 1001, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका दोस्तों 170 × 590, ठीक है दोस्तों। तो इसको तोड़ देंगे हम 170 × 600 - 10, ठीक है दोस्तों। इसको गुना करेंगे 17 × 6 = 102 और ये बाकी का 10 और ये 20, ठीक है दोस्तों। माइनस 17 × 170 और ये 10 और ये 10, ठीक है दोस्तों। हो गया 300, सिर्फ 20 होगा दोस्तों क्योंकि 17 × 70 तो हमने ले लिया और बाकी का ये 10, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सिर्फ इसको जोड़ देंगे, घटाना है दोस्तों, घटाना है 0 का 0 फिर 0 का 0, 20 का काम हो गया और यह बचा 10 × 7 = 3 और यहाँ पे 1 से 1 = 0 और फिर 0 और ये 1, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 73। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों 90 × 21 × 209, इसको गुना करना है दोस्तों। तो इसको तोड़ना है सबसे पहले, जो नज़दीक रहेगा उसको तोड़ देंगे दोस्तों। 200 + 9, ठीक है दोस्तों। इसको 2 से गुना करेंगे, 2 × 2 2 × 2 = 4 0 और 9 × 2 = 18 और ये 209, ठीक है दोस्तों। प्लस 9 × 9 9 × 2 = 18 = 8 बाकी का 1 यानी कि 1 भी लिखा जाएगा क्योंकि 0 है दोस्तों। तो 9 × 9 = 81, बस इन दोनों को जोड़ देना है तो 9 8 3 और यहाँ पे 4 × 5 और ये 8 × 8 और ये 8 1, ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका दोस्तों 0.1
0 0 3 गुना एक्स गुना 0.0003 बराबर 0.0000027। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इस एक्स को यहीं रहने देंगे और ये 0.00027 बटे इन दोनों को इस पर ले आएंगे। तो ये पॉइंट के बाद 3 अंक और ये पॉइंट के बाद 4 अंक। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसको एक लाइन लिख देते हैं आपके लिए दोस्तों, 0.003 गुना 0.0003। ये देखिए 4 और ये 3 7, और यहाँ देखिए दोस्तों ये 4 और ये 3 7, तो पॉइंट ख़त्म हो गया दोस्तों, दोनों का पॉइंट उड़ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद बराबर अंक है, तो बचेगा हमारे पास 27/3 3 9। ठीक है दोस्तों, तो 9 3 27, एक्स का मान क्या आ गया हमारे पास दोस्तों, 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा दोस्तों, 40.07 गुना 1.43। सबसे पहले दोनों का पॉइंट उड़ा देंगे दोस्तों, तो नीचे 2 0 और इसका भी पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे 2 0, तो इन दोनों को गुना करना है दोस्तों, तो गुना करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 4000 और ये +7 गुना 143। ठीक है दोस्तों, तो इसको गुना करते हैं सबसे पहले, तो 4 3 12 का 2 और 4 4 16 1 17 का 7, 4 1 4 1 5 और बाकी का ये 3 0 +7 21 का 1 7 4 28 2 30 का 0 और 7 1 7 यानी कि 7 3 10। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इनको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद क्या आएगा दोस्तों, 1 0 0 2 1 3 और ये 7 और ये 5, ये आ गया हमारा गुना करने पर दोस्तों 57 3 0 0 1 और बटे में हमारा दोस्तों 4 0 यानी कि। ठीक है दोस्तों, तो पीछे से गिन के 4 पे पॉइंट दे देंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 57 3001/10000। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4 अंक है दोस्तों, तो पीछे से 4 अंक के गिन के 1 2 3 4, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों आपका, एक्स गुने 0.018 बराबर 0.414, ये 0। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है तो एक्स को यहीं रहने देंगे दोस्तों और ये 0.0414 बटे 0.018। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो इसका पॉइंट उड़ा दे, इसका पॉइंट उड़ा दे और यहाँ पे 10 गुने मिला दे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद काटते हैं, तो सबसे पहले 18 से कटेगा कि नहीं, 2 से काटते हैं दोस्तों, 414/18 × 10। ठीक, तो 2 से काटेंगे 9 और इसको 2 0 7। ठीक है दोस्तों, और फिर इसको अब 9 से काटेंगे 207/9 × 10, तो 9 2 18 और यहाँ पे 9 3 27, तो क्या आ गया दोस्तों, 23/10, ये 1 अंक के बाद दे देंगे दशमलव दोस्तों, तो 2.3 आ गया आंसर हमारा, क्वेश्चन नंबर 77 हो गया दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा दोस्तों,
दस पॉइंट टू गुना 0.021। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट उड़ा देते हैं दोस्तों इधर से भी, उसके बाद इसको गुना करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको गुना करने के लिए 100+2 गुना 21 बटे ये 3 × 4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 21 00+21 2 42। ठीक है दोस्तों, और ये 40। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ क्या हो गया दोस्तों 21 42, तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों बटे 40। ये 4 अंक के बाद 1 2 3 4 यानी कि 0.2142। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा 12.12 गुना 2.20 जोड़ 3.336। इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इसका पॉइंट उड़ा देंगे, ये 0 0 और यहाँ पे 0 0। ठीक है दोस्तों, और इसको गुना करना है सबसे पहले। इसको गुना करने के लिए तो ये 1200+12 और यहाँ पे 220 बटे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये 1200+12 गुना 220 और ये 2 2 4 0। ठीक है दोस्तों, और ये प्लस वाले को अभी रहने देंगे, तो इसको गुना करेंगे तो 22 और 12 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 गुना 12 22 दूनी 44 और 22 एकम 22 टोटल हो जाएगा दोस्तों 4 6 2 264। तो इसका 1 0 और इसका 2 0। ठीक है दोस्तों, प्लस इसको गुना करेंगे तो 264 और ये इसका 1 0 बटे में हमारा 40+3.336। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, ये 0 का 0 और ये 4 और ये 6 और ये 4 2 6 और ये 6 और ये 2 और बट्टे में हमारा 4, पीछे से 4 गिन के पॉइंट दे देंगे 1 2 3 4। यहाँ पे ये पॉइंट लग गया और प्लस 3.336। ठीक है दोस्तों, अभी इन दोनों को जोड़ना है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले ये दशमलव का 1 अंक पहुँच गया और 6 4 10 का 0 बाकी का 1, 6 3 9 1 10 का 0 बाकी का 1 और ये 6 3 9 1 10 का 0 बाकी का 1 रह गया और ये 6 3 9 1 10 का 0 बाकी का 1 और ये 2 1 3। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 30.40 यानी कि टोटल 30 आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 79 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा दोस्तों 226 गुना 48 गुना 52। इसको सिर्फ गुना करना है, यहाँ पे प्लस है दोस्तों, ये प्लस है। ठीक है दोस्तों, तो इसको और इसको गुना करना है, तो सबसे पहले ये 226 गुना 40+8। इसको नॉर्मली भी आप गुना कर सकते हैं लेकिन समय बचाने के लिए हम इस तरह से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 6 6 24 का 4 और 4 2 12 ये 4 2 8 8 2 10 का 0 4 2 8 8 1 9 और ये बाकी का 0 प्लस 8 6 48 का 8
आठ दूनी 16, 4 20 का 0 और 8 दूनी 16, 2 18, ठीक है दोस्तों, प्लस 52। अब इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2, 8 2 10, 1 0, यानी कि 0, और ये 5, और ये 5 4 9, 1 10 का 0, और 8, 8 1 9, और ये 9 1 10। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 2015 गुना 15 प्लस 15, ठीक है दोस्तों, सिर्फ गुना करना है दोस्तों। तो इसको इस तरह से गुना कर लें, गुना 10 प्लस 5 प्लस 15, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक जीरो सिर्फ, और इसमें 5 से गुना करेंगे, तो 5 पचे 25 का 5, और 5 एकम 5 दो 7, और 0, और 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों, और प्लस 15। अब इन तीनों को जोड़ना है सिर्फ, तो 5 5 10, 10 का 0, 7 एक 8, 8 5 13, 1 14 का 4, और बच गया 0 1 एक एक दो, ठीक है दोस्तों, 0 0 और ये 1 और ये 2, 2 1 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा 4.4 गुना 1.3 प्लस 2.5 गुना 1.8, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले गुना वाले को गुना कर लेंगे, पॉइंट उड़ाते हैं दोस्तों, यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो कटता है पहले काट देंगे, यहाँ से देखिए दोस्तों, नहीं सबसे पहले गुना कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको 10-10 का काम करने में अच्छा रहेगा। तो इसको गुना करेंगे तो दोस्तों 13 चौके हो गया आपका दोस्तों, 13 चौके 52 का 2, 13 चौके 52 57, 572 हो जाएगा, और ये गुना करेंगे तो 100, ठीक है दोस्तों, प्लस 18 गुना 25, यानी कि 18 5 90 का 0, और 18 2 36, 36 9 45, ठीक है दोस्तों, और ये 100, 100 100 का एलसीएम हो जाएगा आपका दोस्तों 100, और ये प्लस का 572 प्लस 450। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो दोस्तों हो जाएगा 2 7 5 12 का 2, और 5 4 9 1 10 बटे 100, ठीक है दोस्तों, और दो अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 10.22 हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका 3/5 का छोटी ब्रैकेट 10√9 प्लस 25, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो आप लोगों को पता है कि का का मतलब गुना होता है दोस्तों, तो 3/5 गुना 10, और √9 को तोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 25, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/5 गुना 10 दिया 30 और 25, यानी कि 30 20 50 55, ठीक है दोस्तों, तो 11 5 55, 11 33 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 83 का आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका दोस्तों 25 का 12/5 जोड़ 488,
इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ पे 25 × 12/5 + 488, तो 5 × 25 और 12 × 5 = 60, 60 + 488, तो 8 × 8 8 × 6 = 14 और 4 × 5 हो गया आपका आंसर 548। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 84 का। और चलते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन 85। 85 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 8.7 × 0.87 + 2.3 + 18.8, ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पॉइंट उड़ा देंगे दोस्तों, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 100, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद इन दोनों को पहले गुना कर देंगे, 87 का स्क्वायर है दोस्तों, 87 × 87 करना है, 7 × 49 = 9, 8 × 56 = 8 × 56, 6 × 6 = 12, 5 × 5 = 10, 10 × 11 = 112, और 4 × 116, 16 का 6 बाकी का रह गया हमारे पास 11 116, बाकी का 11 88 64, 64 और 11 75, यानी कि 75 69/300 + 23/10 + 88/10, ठीक है दोस्तों। इन सब का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 1000 और यहाँ पे 69 + 200 यानी कि 2300 और यहाँ पे 8800। इन तीनों को अब जोड़ना है दोस्तों, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, जोड़ने में कोई परेशानी ना हो इसलिए आप कभी कभी इस तरह से भी जोड़ सकते हैं दोस्तों, नहीं तो छोटी छोटी गलतियों के कारण आपको दोबारा जोड़ना पड़ जाएगा। 9 का 9 = 6, 8 × 5 = 13, 16 का 6 और 8 × 7 = 15, 2 × 17 = 18 और 1 × 1 = 2, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका 28 6 6 9/1000। तो इसको आप पॉइंट में लिखेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि 28.669। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 85 दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और बाकी का क्वेश्चन अगले पार्ट में, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।